तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। और हम सभी जानते हैं पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव शो करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसमें ग्रुप में नीचे जाने पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है, ये जानेंगे। तो पहले तो ये मुझे बताओ, ये जो मैंने आपको बताया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, निशिका एंड क्रिश बोलो, ये बात तो समझ में आ गई ना, बोलो पक्की बात है ना। अब हमें देखना है कि ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होगा। जैसे अब तो ये सबके लिए ट्रू हो गया ना, ये क्या है बोलो, प्लस वन प्लस वन प्लस वन और फिर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि बी प्लस वन ए एल प्लस वन या फिर ये जी ए प्लस वन, फिर ये लिख दिया आई एन प्लस वन एंड टी एल प्लस वन, तो अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी बोलूं तो आप क्या लिखोगे स्टेबिलिटी इसकी, कैसे बताओगे। ये अगर मैं लिख दूं यहां पे बी प्लस थ्री हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोला, ए एल प्लस थ्री एंड जी ए प्लस थ्री आई एन प्लस थ्री एंड टी एल प्लस थ्री, तो ये कैसे लिखोगे आप बोलो, इसकी स्टेबिलिटी कैसे लिखोगे। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट, एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी, क्योंकि जैसे जैसे ग्रुप में आप नीचे जाते हो एस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी ज्यादा होती है, और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो एनर्जी कम रिलीज होती है, इसलिए एस इलेक्ट्रॉन क्या होता जाता है बोलो, इनर्ट हो जाता है। अब यहां पे दो टर्म आ रहे हैं देखो आप, एक तो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर पार्टिसिपेट करवाना है तो क्या होता है, दो एनर्जी टर्म यूज होते हैं। एक तो उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जब इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी प्रोसेस फिजिबल तब होगा जब आउटपुट क्या होगा बोलो, इनपुट से ज्यादा होगा। तो अगर मैं एस इलेक्ट्रॉन को से 100 यूनिट एनर्जी डोनेट करता हूं किसके लिए, टू इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और जब वो एस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है तो एनर्जी रिलीज कितनी करता है, से 60 यूनिट। तो आप बोलो एनर्जी आपने कितनी दी, 100 यूनिट। निश्चय बोलो एनर्जी डोनेट देना मतलब कैसा टर्म हुआ, एंडोथर्मिक बोलो, और एनर्जी रिलीज होना मतलब कैसा टर्म हुआ, एक्सोथर्मिक। तो हमने डोनेट, हमने एनर्जी जो दी दैट वाज 100 यूनिट, और जो रिलीज हुई दैट वाज माइनस 60 यूनिट। तो आप बोलो इसमें प्रोसेस में क्या ज्यादा आ रहा है बोलो, अगर मैं दोनों एनर्जी को जोड़ दूं तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी, प्लस में आएगी ना, प्लस 100 है और माइनस 60 है। तो अब आपने इनपुट तो 100 किया, आउटपुट कितना निकला बोलो, 60 का। तो किस, अब यहां पे एक जनरलाइज्ड टर्म मैं बताऊंगा क्रिश, मैंने पहले तुमसे डिस्कस किया हुआ, कोई भी प्रोसेस फ्रूटफुल या सक्सेसफुल या स्पॉन्टेनियस कब होगा, कोई भी प्रोसेस, इट इज नॉट रिलेटेड टू केमिस्ट्री, किसी भी चीज के लिए बोला जाए, कोई भी प्रोसेस फिजिबल कब होगा, निश्चिका क्या बताया था, आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन इनपुट या इनपुट शुड बी ग्रेटर देन आउटपुट, किसी भी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए आउटपुट ज्यादा होना चाहिए। तो यही तो पूरा कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला डेल्टा जी, देखो हमने अगर कहीं सुना हो गिब्स हिल्बर्टोज इक्वेशन में डेल्टा जी सुना क्या, डेल्टा जी, डेल्टा जी जब निगेटिव होता है तो ही प्रोसेस क्या होता है बोलो, स्पॉन्टेनियस होता है। यह मान लो अभी डेल्टा जी आप नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जानते हो तो आप तो सिंपल सोचो, मैं स्टडी की बात करूं, कब स्टडी सक्सेसफुल है, मैं 2 घंटे पढ़ूं और 6 घंटे का आउटपुट आए, या इसको उल्टा करूं, मैं 6 घंटे पढ़ूं और 2 घंटे का आउटपुट आए, बताओ क्या अच्छा है, बताओ, हाँ है ना। या फिर मैं बिजनेस की बात कर लूं, मान लो मैं 2 लाख लगाओ और मान लो कि तुमने 10 करोड़ इन्वेस्ट किया और 2 लाख तुमने आउटपुट पाया, क्या प्रोसेस वो फिजिबल होगा, बिजनेस सक्सेसफुल होगा क्या बोलो। तो फिर
तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, नॉट केमिस्ट्री फॉर एनी थिंग, और ये बड़ा यूज होगा इनऑर्गेनिक वाले में, हर जगह यूज आता जाएगा, कोऑर्डिनेशन तक कहीं भी, सॉल्वेशन हाइड्रेशन सब जगह यूज आएगा ऐसा, कि फॉर एनी सक्सेसफुल प्रोसेस आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन, हाँ ये एकदम थंब रूल है, सिंपल सी बात है, ये कोई केमिस्ट्री मिस्ट्री की बात नहीं है, सिंपल सी बात है एकदम, आउटपुट शुड बी, तुम अपने किसी से भी पेपर्स, हाँ ऐसा देखिए आउटपुट शुड बी ग्रेटर देन इनपुट होना चाहिए किसी भी प्रोसेस को फीजिबल, कहेंगे हाँ ये कौन सी नई बात पढ़ ली, ये तो कोई भी जानता है, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं यहां पे आता हूं, जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि जो एस इलेक्ट्रॉन है ना, एस इलेक्ट्रॉन, तो एक चीज और यहां पे जानना है, मैं बोलो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बोलो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे, तो मान लो तुम, मान लो कि मैं कोई एक एलिमेंट, मैं ऐसा कह रहा हूं किसी एक एक्स एलिमेंट को फिक्स कर देता हूं इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो बी एक्स बॉन्ड बना, ए एल एक्स बॉन्ड बना, जी एक्स बना, आई एन एक्स बना और टी एल एक्स बना, बोलो कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, थैलियम ना, अरे ग्रुप में नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है, तो अगर ये थैलियम हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, आई एन बनाता है, तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन बनाएगा, थैलियम ना, तो थैलियम जब बॉन्ड बड़ा बनाएगा वो बॉन्ड कैसा होगा, बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो वीक होगा कि स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड अगर वीक बनेगा तो फिर इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में कम एनर्जी रिलीज हुई है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, तो कम एनर्जी रिलीज हुई है, दैट एनर्जी विल नॉट कंपनसेटेड, मतलब उस बॉन्ड को बनाने में एस को जितनी एनर्जी चाहिए थी एक्साइट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, वो तो ज्यादा हुई, लेकिन जब उसने बॉन्ड फॉर्म किया तो एनर्जी कम रिलीज हुई, इसलिए एस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अब एक प्रश्न और है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो ये जो गैलियम इंडियम थैलियम इसमें अब किन ऑर्बिटल्स की एंट्री होती जाती है, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई सेकेंड में केवल एस और पी है, थर्ड में जाओगे तो डी की शुरुआत हो जाएगी, फोर्थ पीरियड में जाओगे तो एफ की भी शुरुआत हो जाएगी, यस या नो ऑर्बिटल्स की, तो जो डीएफ ऑर्बिटल होते हैं ना, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, इनकी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, पहले तो ये जो मैं टर्म बोल रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट सुना है क्या, स्क्रीनिंग पावर सुना है क्या, पहले तो ये बता दो, स्क्रीनिंग पावर बोलो, इसका बोलो स्क्रीनिंग पावर बोलो, नहीं सुना पूरे, तो चलो मेरी बात सुनो, जो अब यहां पे सुनना पड़ेगा आपको, देखिए जरा, जो आउटर मोस्ट, ये लिखा मैं, ये न्यूक्लियस है, अब ये जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल होते हैं ना, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, और उसके पहले का जो ऑर्बिटल है वो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल अगर डीएफ वाला है तो ये जो डीएफ ऑर्बिटल होते हैं इनकी स्क्रीन की तरह बिहेव करने की टेंडेंसी क्या होती है, बोलो कम होती है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो इंक्रीज हो जाएगा, अट्रैक्शन इंक्रीजेस, क्यों अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डीएफ वालों की क्या है, बोलो पूर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, एक मिनट घबराना नहीं, मैं भी तुरंत में समझा रहा हूं, जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कैपेसिटी, एक्चुअली क्या होता है, सुनो ध्यान से, जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल मतलब, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल मतलब क्या होता है, जो बाहर वाला ऑर्बिटल है उसके जस्ट बाहर वाले ऑर्बिटल से जस्ट, बोलो हाँ, N-1 बोलो ना, ये nth ऑर्बिटल है, N-1 ऑर्बिटल, जो N-1 वाले ऑर्बिटल हैं वो बाहर वाले N-1 वाला जो ऑर्बिटल है वो n ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच पर्दे की तरह व्यवहार करता है, अब सुन लो एकदम शुद्ध स्वदेशी, किसकी तरह एक्ट करता है, एज ए स्क्रीन, पर्दा नहीं जानते, किसकी तरह एक्ट करता है, बोलो निश्चय, बोलो क्रिश, बोलो मैं किस क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं N-1 ऑर्बिटल
act as a screen between nucleus and what? Nth orbital. हाँ मतलब अरे मतलब obviously इलेक्ट्रॉन ये जो n orbital है, तुम तो अभी इलेक्ट्रॉन लोग कुछ भी मत बोलो, तुम तो इस तरह बोलो n orbital जो है और जो nth orbital है और जो nucleus है उसके बीच में कौन सा वाला पर्दे की तरह बिहेव करता है? n-1 वाला. अब ये n-1 वाला कौन सा ऑर्बिटल है उस पे पर्दे की तरह बिहेव करना मतलब क्या करेगा था? अगर अच्छा तुम कुछ सोचो, ये न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, बताना मुझे. अरे अट्रैक्शन को मोड़ दूंगा, ये न्यूक्लियस प्लस है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना. निश्चित एकदम ध्यान सुनना, कोई भी डिफिनेशन टाइप लिखने की नहीं, अगर इसमें समझ आएगा तो फिर एकदम इंटरेस्टिंग हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो फिर एकदम पूरा इनऑर्गेनिक में तो और ज्यादा फिर वो करने वाला होता है. इसलिए ध्यान से पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा करेगा, कूलॉम्बिक अट्रैक्शन और रिपल्शन? अट्रैक्शन. और मैं कह रहा हूं ये जो इसके एन माइनस वन ऑर्बिटल है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इट एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मतलब पर्दे स्क्रीन की तरह. तो ये स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना, कम पक्की बात है ना, कम कर रहा है. ठीक है ये, तो यहां पे ये कौन सा ऑर्बिटल, तो तुम खुद सोचो, मैं ऐसा करता हूं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, क्या लग रहा है प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में क्या होगा, फोर्स कूलॉम्बिक अट्रैक्शन. अगर मैं बीच में कुछ कुछ रखता हूं, मतलब एनी मटेरियल, एक्स मटेरियल, वाई मटेरियल, जेड मटेरियल, अलग अलग मटेरियल रखता हूं, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये जो अलग अलग मटेरियल में रखूंगा तो ये बीच में, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे, कम करेंगे. और वो कितना कम करेंगे वो इनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं, कि मैंने ग्रेफाइट रखा, कि लकड़ी रखा, कि प्लास्टिक रखा, कि मतलब अलग अलग सबकी अलग अलग कैपेसिटी होगी फोर्स को रिड्यूस करने का, कि एक ही जैसी होगी क्रिश, अलग अलग होगी. वैसे ही बेटा क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्क्रीनिंग कैपेसिटी होती है किसकी, डिफरेंट ऑर्बिटल की. स्क्रीनिंग कैपेसिटी का ऑर्डर निशिका ये है, सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का होता है, फिर डी का होता है, फिर एफ का. ये देखो क्या लिखा, यानी एस वाला अगर ये होगा तो बोलो इसकी स्क्रीनिंग कैपेसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा. मतलब ये क्या करेगा, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री, हाँ अगर मैं कहूं कि नहीं ये वाला पता कौन सा, ये डीएफ वाला ऑर्बिटल है क्रिश, तब क्या करेगा, फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे क्या रखेगा, निश्चित बोलो. यस सर. नहीं है सर, नहीं बोलो. नहीं सर, फोर्स मेंटेन रखेगा. हाँ मतलब अट्रैक्ट, तुम बोलो ना, ऐसा खींच के रखेगा ऐसा इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है, जो तो ये वाला जो मैं बोल रहा हूं, ये इन केस में जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हो ना, तो व्हाट हैपेंस, ये तो एस वाले इलेक्ट्रॉन, और ये वाले जो डीएफ वाला जो है ना, ये इसमें जो पेनल्टीमेट ऑर्बिटल है, नौ पेनल्टीमेट ऑर्बिटल कौन सा होता जाता है, बोलो, डीएफ वाला होता है. कौन सा वाला, बोलो ना, ग्रुप में नीचे जाओगे तो क्या होगा, पी ही ऑर्बिटल रहता जाएगा कि डीएफ ऑर्बिटल आएगा, बड़े ऑर्बिटल आए. हाँ तो अब ये डीएफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, एस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग होल्ड रखेगा कि वीक होल्ड रखेगा, स्ट्रांग होल्ड ना, क्योंकि डीएफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा है, मतलब पर्दे की तरह एक्ट करने की कैपेसिटी कैसी है, कम है ना. तो फिर इस न्यूक्लियस का इस एस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, फिर भी उन लोग ज्यादा कैसे कंफ्यूज हो, हाँ वो तो न्यूक्लियस का इस एस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तो एस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा, तो उसको एक्साइट करने के लिए एस इलेक्ट्रॉन को वी हैव टू पुट मोर एनर्जी और लेस एनर्जी, मोर एनर्जी.
एंड दैट एनर्जी विल बी नॉट कंपनसेटेड बाई एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि बॉन्ड नीचे जाने पे कैसा बन रहा है, वीक बॉन्ड बनेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा? वीक बॉन्ड बन रहा है ना, क्योंकि ग्रुप में नीचे जाओगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? अगर मैं ऐसा लिखूं एक्स, अब देखो ये क्या होता जा रहा है बताओ, अगर एक मैं किसी पर्टिकुलर आइटम के साथ बॉन्ड बनाता जाऊं तो ग्रुप में नीचे जाओगे तो ये बॉन्ड लेंथ कैसा होता जा रहा है, बोलो ना। तो बॉन्ड अगर बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड एनर्जी तो कम ही रिलीज होगी ना, एनर्जी तो कम रिलीज हुई होगी, एनर्जी तो कम रिलीज हो रही है। और एस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है कि कम एनर्जी देनी पड़ रही है? तो फिर इसलिए एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट रहेगा, वो नहीं पार्टिसिपेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मुझे तो पार्टिसिपेट करने के लिए एनर्जी चाहिए कितना, मतलब कुछ भी बोल लो से चाहिए 200। और जब एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कितना, से एनीथिंग से 80 यूनिट। तो फिर वो क्या करेगा, फिर क्यों, फिर मतलब बात वही हो गई कि मेरे पास 200 है, मैं जानता हूँ मैं 200 अगर यूनिट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 80 तो मिलेगा बस, तो मैं क्या करूंगा, 200 इन्वेस्ट करूं कि बस उससे बढ़िया रहने दो, बस नहीं इन्वेस्ट करूंगा फिर, नहीं समझे दोस्त? यस। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाओगे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, इनर्ट होता जाएगा या रिएक्टिव होता जाएगा? इनर्ट होता जाएगा। क्यों इनर्ट होता जाएगा, क्यों आलसी होता जाएगा? नहीं, क्योंकि ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी चाहिए ज्यादा, और जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी कम, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहेगा, नहीं मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना। बोलो मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो अब तुम बोलो, अभी लिखना नहीं, मैं स्टेटमेंट लिखवाने जा रहा हूं, अब तुम बोलो निशिका सोच के बोलो, तो ग्रुप में नीचे जाओगे तो फिर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए फिर? अरे नहीं, मैं कह रहा हूं दो मैंने लिखा है ना, एक तो ये ऑर्डर है और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ये, तो इसमें बोलो इसमें कौन स्टेबल होगा? ग्रुप में नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा? तो सोचो देखो, ग्रुप में नीचे जाओगे तो फिर क्या होता जाएगा, हायर वाला स्टेबल होगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि हायर वाला कब बनेगा पहले बताओ, हायर मतलब यही है ना प्लस थ्री वाला, हायर वाला कब बनेगा बोलो, जब जब केवल पी पार्टिसिपेट करे कि एस भी पार्टिसिपेट करे? आप तुम बताओ मुझे, तुम क्या कह रहे हो, ग्रुप में नीचे जाने पे एस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता? तो फिर दुष्ट बोलो फिर। यस, तो ये स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, ऐसा। लेकिन या इसी को मैं उल्टा बोल दूं फिर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, सॉरी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, अरे लोअर वाला स्टेट स्टेबल होगा ना, और इसी को बोल दूं हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, डिक्रीजेस। टीएल प्लस थ्री बनना चाहेगा कि नहीं बनना चाहेगा बताओ मुझे? नहीं बनना चाहिए। हाँ, ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं बताने जरा कार्बन, हाँ ये बोलो सेम, इसके लिए भी वही बता दोगे कि नहीं? बोलो प्लस फोर एस आई प्लस फोर बोलो, इसमें बताओ निशिका, बताओ अब तो इसमें अभी लिखवाना हूं अभी तो, हाँ अब इसमें बोलो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है मैंने पहले, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका स्टेबल होगा? हाँ, और अगर मैं यही ऐसे लिख दूं प्लस टू वाला, जी प्लस टू Sn प्लस टू Pb प्लस टू, तो क्या होता जाएगा बोलो? हाँ, तो ये कुछ समझ में आई बात क्या? तो स्टेटमेंट आप ऐसा लिखो पहले एक बार, फिर ये नोट करना, लिखिए
as we move down the group, as you move down the group, as electron becomes inert, as we move down the group, as electron becomes inert, as we move down the group, as electron becomes kya likha? इनर्ट. क्यों इनर्ट होंगे निशिका बोलो? बिकॉज बताओ क्या बताया था मैंने? बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एस इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एस इलेक्ट्रॉन is not compensated by energy released during bond formation of s electron. Energy required to excite the s electron is not compensated by energy released during bond formation by s electron. Yes. ये बात तुम समझ पा रहे हो क्या? दो फिनोमेना एक साथ 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 होना चाहिए. मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में एक एनर्जी चाहिए है और एक रिलीज होता, मतलब बिल्कुल ही बिजनेस वाला, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए फिर उसमें से आउटपुट, मतलब ये दोनों फॉर एनी सक्सेसफुल बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट शुड बी देयर. किसी भी सक्सेसफुल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए क्रिश? एनर्जी रिलीज्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी हायर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन. क्यों नहीं? पहले आप एक ऐसा डब्बा बना के लिख दे पहले तो, ये क्योंकि ये एक क्लियर होना चाहिए बात एकदम. फॉर एनी सक्सेस बालक तुम तो लिख लिया है ना दोस्त ये सारा? तो नहीं लिखा देखो, वापस लिखो, रफ पे लिखो, रफ में लिखो, उसमें क्या याद होगा? निश्चय लिखो, फॉर एनी सक्सेसफुल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन शुड बी ग्रेटर देन energy required to excite the s electron. ये लिख लिया बोलो? हेलो जल्दी बोलो. फॉर एनी सक्सेसफुल बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन energy released during the bond formation should be greater than energy required to excite the electron. Energy released during the bond formation should be greater than energy required to excite the electron. Done hai ki nahi pehle mujhe batao? Yes. Ab mujhe batao, ab main अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का स्टेटमेंट या तो एस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट बोलू जो मैंने बता दिया, या फिर अब मैं बोलू इसी स्टेटमेंट को एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, एज वी मूव डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज, एज वी मूव डाउन द ग्रुप stability of lower oxidation state increases, या फिर stability of higher oxidation state? हाँ एक ही बात है. अब बार बार वहां से क्या किया जाए? एक चीज पता चल गया आपको जस्ट उसका दूसरा रिवर्स हो जाएगा, उसमें क्या देखना है? और ये कितना आसान है देखो. और एक चीज और मैं बोलूंगा यहां पर,
तुम तो ऐसे याद रखोगे ना, जब तुम लोअर मतलब अब तुम ग्रुप में नीचे जाना मतलब क्या करना, अरे लोअर लो मूव करना ना। तो तुम ऐसा बोलोगे कि हम लोअर जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज स्टेबल होगा, मतलब ऐसे में बोल रहा हूं कुछ, क्यों होगा वो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना मतलब, लेकिन मैं कह रहा हूं याद रहे मतलब इसके लिए। मतलब तुम ऐसे कह रहा हो कि ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में मान लो ऐसे मूव करूंगा तो कहूंगा हायर की तरफ मूव कर रहा हूं, ऐसे जाऊंगा तो क्या मूव करूंगा लोअर, है ना। तो मैं कहूंगा जब लो हम लोअर डाउनवर्ड मूव करें तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लो वाला होगा ऐसा। और एक चीज और मैं जो बोलने जा रहा हूं वो जाने बिना इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन तो जान ही नहीं सकते हो, पता क्या बोलने जा रहा हूं, ये लिख दो स्टेटमेंट, इसके बिना इसके क्वेश्चन मतलब तुमसे सॉल्व ही नहीं होंगे, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, लिखो ऐसा बड़ा बड़ा ऐसा लिख देना, लास्ट वाले का लोवेस्ट बाकी सबका हाईएस्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, इसका मतलब समझे ना इसका क्या मैं बोल रहा हूं क्रिस, तुम्हें याद है ना। हाँ तो नीचे लिखो ये, लास्ट वाले का लोवेस्ट बाकी सबका हाईएस्ट, मतलब कहना चाहता हूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो 100% अप्लाई होता है वो किस वाले एलिमेंट पे होता है, लास्ट वाले पे, किस पे होता है बेटा बोलो, लास्ट वाले पे। हाँ तो ऐसा आप लिखो, लास्ट वाले का लोवेस्ट बाकी सबका हाईएस्ट स्टेबल होता है, लास्ट वाले का लोवेस्ट बाकी सबका हाईएस्ट स्टेबल होता है, डन। और ये नोट कर लो, फिर मैं आपसे अब मैं इसमें बताऊं आपको और भी बातें और कैसे क्वेश्चन आते वो सारा बताता हूं, डन पक्की बात है ना, ओके okay, अब सुनो, अब ये जो मैंने लास्ट में स्टेटमेंट बोला है निशिका, अब ये क्यों बोला देखो, अब मान लो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई SN का कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, SN प्लस टू है और ये लिख दिया SN प्लस फोर, PB का लिख दिया मैंने PB प्लस टू और PB प्लस फोर, तो आप किसको स्टेबल बोलो, SN प्लस टू SN प्लस फोर का, तो अब SN बच्चा देखेगा कि भाई SN कहां पे है, देखेगा देखेगा SN कहां पे है, तो SN को इधर देखेगा वो नीचे ही है मतलब देखा जाए तो, लेकिन सबसे लास्ट में नहीं है ना, लास्ट का मतलब तो लास्ट होता है, तो अगर मैं कहूंगा SN का कौन सा स्टेट स्टेबल होगा तो ये लास्ट में तो नहीं है, तो फिर कौन सा स्टेट स्टेबल बोलू, बोलो अभी स्टेटमेंट लिखवा भी दिए तो भी कैसे, अरे नहीं मैं क्या कह रहा हूं, SN के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना दोस्त, क्या कह रही है, SN के दो स्टेट लिखे हैं मैंने ना प्लस टू और प्लस फोर, तो SN कहां पे आता है, SN सबसे लास्ट में तो नहीं है, तो मैंने लिखा क्या स्टेटमेंट, तो उसका मतलब समझ पाई कि लिखा है मैंने कि लास्ट वाले का मतलब सबसे लास्ट में एलिमेंट जो है, लास्ट वाले का लोवेस्ट स्टेबल होता है और बाकी सभी का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, एल फॉर लास्ट, लास्ट का लोवेस्ट बाकी सबका, तो आप बोलो SN का कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, प्लस फोर, मतलब सभी का मतलब मैं तुम समझे नहीं बात, मतलब मैं कहूंगा बोरॉन से लेके और यहां तक बोलो इनका कौन सा स्टेट स्टेबल होगा, प्लस थ्री वाला कि प्लस वन वाला, प्लस थ्री वाला, केवल लास्ट वाले का लोवेस्ट होता है, मैं यही तो कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब तुम्हें पता चल रहा है, लास्ट वाले का लोवेस्ट बाकी सभी का, अब बोलो यहां से लेके यहां तक बोलो इनका क्या होगा, कौन से स्टेट स्टेबल बोलोगे, हाँ बस लास्ट वाले का लोवेस्ट, समझ पा रहे बात की नहीं, पहले मुझे बताओ, हाँ ये लिखो, अब इससे अब क्या जाना, एक मिनट यहां पे एक चीज और लिखना बेटा, GACL GACL can show disproportionation in aqueous medium. GACL can show disproportionation.
GACL can show disproportionation in aqueous medium. मैंने disproportionation term कहीं बताया था कि नहीं? निशिका बोलो, dispo मैंने जरूर कहीं ना कहीं जिक्र किया होगा. एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करे, सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो और वही मॉलिक्यूल क्या हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन. ये डिस्पो, तो ये GACL एक्वस मीडियम में क्या करता है, डिस्पो शो करता है. कैसे डिस्पो होगा, देखो भाई, मतलब सेम ऑक्सीडाइज होगा, सेम रिड्यूस होगा. बोलो GA प्लस ही डोनर होगा और GA प्लस ही एक्सेप्टर होगा. अब बोलो GA प्लस वन में है तो क्या करे ये, मतलब ये इसी पीरियड में है ना, ये वाला, इसमें दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा. देखो प्लस थ्री और प्लस वन और प्लस थ्री, तो अभी ये किसमें लिखा है मैंने प्लस वन, तो अभी ये किसमें कन्वर्ट होगा, इसी का बोलो क्यों बोल नहीं, नहीं क्रिस तुम दोबारा पढ़ रहे हो, तुम तो सुनो ध्यान से ना केवल. ये प्लस वन में है तो प्लस वन से किसमें कन्वर्ट होगा, दूसरा प्लस थ्री ही है, तो ये GA प्लस वन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दो इलेक्ट्रॉन. और उसको कैच करने वाला कौन है, तो उस दो इलेक्ट्रॉन को, तो मैं यही तो बता रहा हूं, डिस्पो का मतलब ही होता है जो डोनर है वही एक्सेप्टर भी है. तो ये खुद ही है, मैं जिसने थ्री मोल लिखा ना ये, तो अब जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूंगा GA प्लस वन, अब ये बैठे होंगे दो, अब देखना ये टेंडेड है क्रिश, बोलो ये तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं, GA प्लस वन दो इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट किया, किन्होंने कैच किया, GA प्लस नहीं कैच किया, कितने GA प्लस हैं यहां, इधर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये GA जीरो में बन जाएगी कि नहीं, और ये GA प्लस वन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अरे दो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट प्लस वन में तो ऑलरेडी, अच्छा तुम बताओ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव करोगे तो एक प्लस आएगा, दो इलेक्ट्रॉन दो प्लस, तीन इलेक्ट्रॉन तीन प्लस, एक प्लस तो पहले से ही है तो कितना प्लस बताओ, फिर कितना प्लस आ जाएगा, हाँ तो फिर ये क्या बन जाएगा बोलो, GACL3 और प्लस क्या बन जाएगा, GA0. तो देखो ये डिस्पो हुआ कि नहीं, क्रेश बोलो बेटा, अरे मतलब आप, मैं बोलूं तब तो बोलो ना क्रेश, अच्छा हाँ बोलो, ठीक है ना ये, निशिका इसमें डाउट है बोलो. और इससे स्टेटमेंट ये भी पता चल रहा है ना, देखो लास्ट वाले का लोवेस्ट, बाकी सभी का, तभी तो ये डिस्पो शो किया है इसने, देखो प्लस वन में था, देखो प्लस थ्री में कन्वर्ट हो गया है. ये नोट कर लिया, डन है. अब मैं अगर बोलूं इसमें देखो SN जो प्लस जो SNCl2 है वो किसकी तरह ऐड करेगा बोलो, SNCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो SN प्लस टू के जो कंपाउंड होंगे वो किसकी तरह ऐड करेंगे, तो सोच लो आप कितना आसान है, तो बताओ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनम लेड, SN है कहां, सबसे लास्ट में है कि लास्ट में नहीं है, बोलो देखो सबसे लास्ट में नहीं है ना, तो SN का कौन सा स्टेट स्टेबल लिखा है निशी का, बोलो देखो हायर, हायर मतलब प्लस फोर की प्लस टू, प्लस फोर ना, ठीक है. तो अगर मैं SN प्लस टू हूं, आई एम SN, नहीं मैं क्यों हूं, तुम यू आर SN प्लस टू, तुम SN प्लस टू हो, ठीक है ना, तो अभी तुम्हारा कौन सा स्टेट स्टेबल है, प्लस टू की प्लस फोर, तो तुम क्या करोगे, तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे कि एक्सेप्ट करोगे, पहले तो मुझे बताओ, तुम SN प्लस टू में हो, अब तुम्हारा SN प्लस फोर स्टेबल है,
तो तुम प्लस फोर में कब जाओगे? जब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तब ना दोस्त। तो तुम क्या हुए? अगर तुम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो तो तुम रिड्यूसिंग एजेंट हुए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए? बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट ना। अच्छा अच्छा बताओ बताओ, रिडक्शन प्रोसेस का मतलब जानते हो? रिडक्शन मीन्स कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन रिडक्शन होता है, और किसी भी सेंटर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है बोलो? वो ऑक्सीडेशन होता है। तो अब मैं कहूंगा कि रिड्यूसिंग एजेंट, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या होगा बोलो? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कहीं भी जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। हाँ, खुद ऑक्सीडाइज होगा वो तो अलग, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना। तो हमेशा कोई एक चीज याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर की एक्सेप्टर। एक अभी उसी दिन मैं बताया था, हाँ अभी उसी दिन तो बताया था ना तुम्हें निशिका, के एच आई फिर वो आई टू बन जाता है, ऐसे बता दिया था। तो एसएन प्लस टू क्या है बोलो? एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों एसएन प्लस टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि एसएन प्लस टू किसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? प्लस फोर में। अगर मैं एसएन प्लस टू हूं मींस मैं प्लस फोर में बनना चाहता हूं, तो मैं किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन दे दूंगा और मैं खुद प्लस फोर में बन जाऊंगा। मतलब मैंने किसी को तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन खुद क्या हुआ? खुद ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, जो डोनर होता है दूसरे को रिड्यूस कर, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को थोड़ा ना रिड्यूस करता है, उनको मोर दूंगा। उसी दिन तो बताया था एलआईसी एजेंट क्या करता है, खुद के एलआईसी करता है कि मैं कहूंगा ये एलआईसी एजेंट है तो क्या कर रहा है? मतलब एलआईसी एजेंट क्या करेगा तुम्हारा? आएगा एलआईसी एजेंट तुम्हारे पास तो क्या करेगा? वो अपना रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे पास आएगा तो क्या करेगा बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट फेक अब हटा दो, क्रिश एलआईसी एजेंट आया तुम्हारे पास, किस लिए आया? वो अपना बीमा करने के लिए कि तुम्हारा बीमा करने के लिए? दुष्ट। तो रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारे पास आएगा तो क्या करने के लिए आएगा? तुम्हें तुम्हें रिड्यूस करने के लिए आएगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करने वाला है वो खुद का नहीं रिडक्शन करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में कोई भी अगर मन में आए तो उनको मारूंगा निशिका, फिर बता। रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वो रिड्यूसिंग के लिए एक एजेंट है, वो खुद का नहीं रिडक्शन कर, वो दूसरे का रिडक्शन कराता है। बोलो, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अब एसएन प्लस टू हमेशा क्या होगा बोलो? एक स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा लिखो, ऑल कंपाउंड्स ऑफ एसएन प्लस टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल कंपाउंड्स ऑफ एसएन प्लस टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑल कंपाउंड्स ऑफ एसएन प्लस टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज SN plus 4 is more stable than SN plus 2. Because SN plus 4 is more stable than SN plus 2. SN plus 4 is more stable than SN plus 2. अब इसका एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूं। क्रिश तुम्हें बता दिया हुआ ये एग्जाम्पल। एक देखो, मरकरी के दो क्लोराइड होते हैं, एक होता है HgCl2 और एक होता है Hg2Cl2। निशिका ध्यान से सुनना, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। अच्छा तुम बताओ, बोले इक और अस जानते हो कि नहीं? हमेशा ध्यान रखना, इक मतलब क्या है बोलो? हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ही बात है। और अस मीन्स क्या होता है बोलो? तो अस को कैसे याद रखोगे तुम? अस, अस को तुम लेस 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 लेस, लो वैलेंसी, लोअर वैलेंसी। लोअर लेस एक ही जैसा है ना, बोलेंगे नहीं संतुष्ट। तो अगर मैं लिखता हूं Fe प्लस टू, तो इसे तुम क्या बोलोगे? Fe प्लस टू है और Fe प्लस थ्री है,
तो बोलो इसे क्या बोलोगे, फेरस, और इसे क्या बोलोगे, फेरिक। एसएन प्लस टू है, इसे क्या बोलोगे, स्टेनस। एसएन प्लस फोर है तो क्या बोलोगे, स्टेनिक। निश्चय मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, बोलो कैसे याद रखो, पता चला कि नहीं। कम वैलेंसी होगी तो अस बोलेंगे, अस 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 अस, लेस एल ई डबल एस, लेस मतलब क्या होता है कम, अस में भी आ रहा ना लेस अस लेस लेस अस, एक जैसा लग रहा है कि नहीं। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल मतलब अब है ही, मतलब कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल मतलब वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो पता ही होना चाहिए ना। Yes. समझी नहीं बात ये, तो वो तो बिल्कुल एक 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 वो बेसिक है, मतलब याद ही होना चाहिए। तो जैसे 9th में मेरे मास्टर जी ने बता दिया था भाई कैसे याद रखना, तुम अस मतलब कम, बस हो गया भाई, दो ही होता है एक अस, जब अस मतलब मुझे कम पता है तो ऑब्वियसली एक मतलब ज्यादा वाला, और क्या। नहीं समझे बात, ठीक है, ओके डन। ये तो ये किस, ये एच डी यहां पर किस स्टेट में है, प्लस टू में, और ये जो लिखा है दैट इज एच जी टू प्लस टू। देखो ये क्या है, एच जी टू प्लस टू। अब तुम कहोगे एच जी टू प्लस टू, तो एच जी टू प्लस टू है ना, ये देखो देख लेना ये ध्यान से, ये टू सी एल माइनस, और ये है लिखा, ये एच जी टू प्लस टू, और ये है आपका एच जी प्लस टू और टू सी एल माइनस। अब तुम बताओ इसमें दो एच जी पे दो प्लस है तो एक एच जी पे, हाँ ये मत कहने की सर यहां भी प्लस टू है और यहां भी प्लस टू है, ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है प्लस वन है, ध्यान रखना। मैं कहूंगा क्यू प्लस, तो क्यू प्लस को मैं सी यू प्लस वन, या फिर वो किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, सी यू टू प्लस टू। मर्क्यूरस किसकी तरह एग्जिस्ट करता है, एच जी टू प्लस टू है वो एच जी प्लस वन। आप सुनना मेरी बात, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है और ये मर्क्यूरियस क्लोराइड है, ये मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक और ये मर्क्यूरियस। अब इसे क्या, ये दोनों मर्करी के क्लोराइड है, ये पता है इसका नाम है, क्या नाम है भाई इसका नाम जो है, अब पहले तो ये मैं हटा देता हूं, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर तो लिख लेते हो। अब इसे तुम ऐसे लिख सकते हो एच जी सी एल और सी एल, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तुम क्या लिख सकते हो, एच जी, क्रिस कहां गया, हाँ ये, इसे बोलते हम कोरोसिव सबलिमेट, कोरोसिव सबलिमेट, एकदम प्रॉपर्टी पे बेस्ड नेम है इसका, कोरोसिव कोरोजन करता है, सबलिमेट मतलब जानते हो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना, सबलिमेशन होता है, इसकी कोरोजन करने की और सबलिमेशन की प्रॉपर्टी होती, दैट इज वाई कोरोसिव सबलिमेट। क्रिश, और ये कहते हैं कैलोमेल। तो अब कैसे याद रखोगे तुम नाम, ये तो भूल जाओ, मैं मर्करी कहीं क्लोराइड है तो क्रिश क्या बताया था नाम याद रखने का। अब तुम बताओ इसका, इसमें दोनों में बड़ा स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, इसको मैंने ऐसे लिखा है और इसको ऐसे लिखा है, बोलो इन दोनों में कौन सा बड़ा फॉर्मूला है। बस तो एक तुम्हें याद रखना कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो कुछ यूज अप्लाई हो रहा है कि नहीं। नाम इसका क्या है देखो, कोरोजिव सबलिमेट, और इसका फार्मूला, और बस बाकी फिर अपोजिट ऐसा। ऐसे क्या होता है, कोई कोई चीज हमें क्या करना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है। बस ये हमें जरूर पता होना चाहिए कि भाई कोरोसिव सबलिमेट कैलोमेल क्या है, मर्करी के ही क्लोराइड है, ये तो पक्का पता है, लेकिन कौन सा कौन है वो आप ऐसे याद रखोगे। अब मैं आ जाता हूं यहां पे, देखो SnCl2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, SnCl2 को अगर मैं HgCl2 के साथ रिएक्शन कराऊं, यहां पे कैसे कराऊंगा रिएक्शन, यहां लिखा हुआ है मैंने, चलो इधर लिख दूंगा Hg2Cl2, ठीक है ना, सॉरी HgCl2, HgCl2, तो ये क्या होता है भाई,
ये कन्वर्ट हो जाता है HgCl2, ये कन्वर्ट होता है बेटा SnCl4। Sn किस स्टेट में आ गया, देखो ये +4, यहां पे क्या था +2, और ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, रिड्यूसिंग एजेंट जानते हो ना क्या करता है बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि एक्सेप्ट करता है, डोनेट। और ये दोनों ही क्या है बोलो, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन ये फटाक से नोट कीजिए तो फिर आगे बढ़े। क्रेश यस सर, नोट कर लिए कि नोट रफ पे लिखते जाना, डन है ना, ओके डन। अब बेटा इसमें एक और, अगर मैंने क्या किया Hg2Cl2 ही पहले ले लिया, मतलब कैलोमेल, और फिर यहां पे लिख दिया आपका SnCl2। हाँ निश्चय बोलो, Sn+2 क्या करेगा, Sn+2 रहना चाहेगा कि +4 में कन्वर्ट होना चाहेगा, हाँ +4 में, वेरी गुड। और ये फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, अब Hg बोलो किसमें, देखो दो प्लस था, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, यस Hg0। और ये हो गया, ये तो SnCl4 तो वाइट ही बताए, और मरकरी कैसा होता है क्रिस, तो मरकरी तो ब्लैक होता है, मरकरी ब्लैक होता है कि नहीं बोलो, ब्लैक। और ये दोनों मिलके फिर क्या हो जाएगा बोलो, ब्लैक और ये ऐसे से मिलके डोंट यू थिंक ये हो जाएगा ग्रे कलर, मतलब मैं ऐसे लिख दूंगा, ग्रे तो दिखेगा थोड़ा ना, ग्रे ग्रे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, व्हाइट है और ये ब्लैक है, बोलो डाउट है इसमें, अरे कुछ समझ में ही बात की नहीं, बोलो जल्दी से, हाँ ये जल्दी से नोट करो, डन करो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट बोलूं, डन, हाँ ठीक है। अब इसमें एक बात और बता रहा हूं मैं, लिखना क्रिश तुम्हें याद होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ PbBr4 एंड PbI4, एग्जिस्टेंस ऑफ PbBr4 PbBr4 एंड PbI4 एग्जिस्टेंस ऑफ PbBr4 एंड PbI4 आर डाउटफुल, कृष्ण याद आए, ये निशिका इसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, चलो पीबी किस स्टेट में है, तो ये तो सिंपल है, तुम ऐसे बोल सकते थे बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, पीबी का कौन सा स्टेट स्टेबल है बताओ, पीबी +4 में है, ये देखो जरा पीबी +4 में है ना बोलो, लेकिन केवल इतना कहना मतलब इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसको मैं अनस्टेबल बोलता तो चलता सब कुछ, मतलब ये लेकिन क्योंकि PbCl4 एग्जिस्ट करता है, PbF4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन तो +4 की अगर बात होती तो PbPlus4 ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, फिर मेरी बात नहीं समझ रहा है, अरे लेकिन मैं कहूंगा अब मैं ऐसा बोल दूं PbBr4 PbI4 का एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, तो तुमने आंसर दिया क्योंकि PbPlus4 का एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, PbPlus4 ने एग्जिस्ट करता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऐसा बोल दिया तुमने, तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, तो बताना PF, हाँ इसमें नहीं +4 है ये, और ये PbCl4 में नहीं प्लस है, देखना जरा इसका एग्जिस्टेंस तो डाउटफुल नहीं है, ये तो एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट, अगर पीबी का +4 ही प्रॉब्लम थी तो इनको भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, पहले तो मुझे ही बताओ,
तुमने कहा, तुम क्या बोल रहे हो कि सर ये देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट, पीबी का कौन से, पीबी प्लस फोर स्टेबल नहीं होता। देखो यहां पे सबसे अनस्टेबल किसको लिखा है, लिखा है ना पीबी प्लस फोर अनस्टेबल, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर तो ऐसा होना चाहिए ना फिर, कि तुम इसके लिए क्यों बोल रहे हो, अगर पीबी का प्लस फोर ही, पीबी का प्लस फोर होना ही दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो फिर इसमें भी तो प्लस फोर है। इसीलिए केवल इनर्ट पेयर इफेक्ट बोल देना उतना अच्छा नहीं रहेगा, इसको हम ऐसे बोलते फिर ना, पीबी प्लस फोर इज अनस्टेबल, इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। पीबी प्लस फोर क्या होगा बोलो, पीबी प्लस फोर अगर मैं लेके आऊं कहीं पीबी प्लस फोर, तो पीबी प्लस फोर क्या सोच रहा होगा, पीबी प्लस फोर कैसा होगा, पीबी, पीबी का प्लस फोर स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो इस ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चाह रहा होगा। अरे स्टेबल तो ठीक है, तुम पॉलिटिकल जवाब क्यों दे रहे हो, पीबी प्लस फोर का कौन सा फॉर्म, मतलब पीबी प्लस तो दो ही तो स्टेट है, प्लस टू एंड प्लस फोर, तो नियर से रेसन नहीं, प्लस फोर एंड प्लस टू, तो कौन से में कन्वर्ट होना चाहेगा, प्लस टू में। तो पीबी प्लस फोर अगर आएगा तो हमेशा क्या देखेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा, मतलब खुद को मैं हमेशा, एक बात याद रखोगे अभी, चाहे तुम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रख लो, चाहे रिड्यूसिंग, कोई भी एक चीज याद रखोगे दूसरा उसका जस्ट अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट कहीं भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये क्या कर, डोनेट कर दे, खुद क्या होता जाएगा, खुद क्या होता जाएगा, ऑक्सीडाइज। लेकिन अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं जाऊंगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूंगा, अपने रिड्यूस हो जाऊंगा और ऑक्सीडाइज कर दूंगा। तो पीबी प्लस फोर के जितने भी कंपाउंड होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब तुम सुनना इसमें क्या, और अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया ग्रुप में नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, विच इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्रिश बोलो, ब्रोमाइड आयोडाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो ये ब्रोमाइड आयोडाइड तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये पीबी प्लस फोर तो क्या है बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइजिंग सेंटर भी है और रिड्यूसिंग सेंटर भी है, तो डोंट यू थिंक रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, इंटरनल रिडॉक्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, तो आप क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप लिखिए, ये तो एग्जिस्ट करते हैं ना, देखो इनका बता दिया, दे डू एग्जिस्ट, दे डज एग्जिस्ट। अब बोलू स्टेटमेंट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, ये पीबी प्लस फोर इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमाइड ऑब्लिक आयोडाइड आर ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पीबी प्लस फोर इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रोमाइड एंड ब्रोमाइड ऑब्लिक आयोडाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, hence through redox reaction get converted into, hence through redox reaction they get converted into PbBr2 / PbI2, hence through redox reaction get converted into PbBr2। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं, हेलो, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर जाएगा बोलो, आयोडाइड से ब्रोमाइड से पीबी प्लस फोर की तरफ, ठीक है ना, ये डन, नोट कीजिए, नोट कीजिए, All compounds of PB plus 4, all compounds of PB plus 4 are a strong oxidizing agent. All compounds of PB plus 4 are a strong oxidizing agent. Because PB plus 2 is more stable than PB plus 4. All compounds of PB plus 4 are a strong oxidizing agent because PB
प्लस टू इज मोर स्टेबल देन पीबी प्लस फोर, क्यों? इनर्ट पेरिफेक्ट की वजह से, जो बता दिया. डन है? यस सर. अब अगर मैं पूछूं यहां पे देखो, व्हाट इज द इक्वेशन, एक छोटा सा क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन कंपाउंड TlI3. बोलो, प्लस वन है कि प्लस टू है कि प्लस थ्री है? बोलो. तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. थैलियम क्या प्लस प्लस थ्री में एग्जिस्ट करता है क्या? तो यहां पे टीएल का स्टेट क्या होगा? बोलो, टीएल किस स्टेट में है? बोलो, प्लस वन में है. तो ये कंपाउंड फिर थ्री कहां से आया? तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ऐसे, देखो टीएल प्लस वन है और ये जो आई थ्री है ना, इट इज नॉट सिंपल आयोडाइड, इट इज कॉम्प्लेक्स आयोडाइड. आई थ्री माइनस वन है. कुछ बात पता चली कि नहीं? नहीं तो बच्चा क्या सोचेगा, आई माइनस और टीएल प्लस थ्री, तभी तो टीएल आई थ्री आया. लेकिन ऐसा नहीं है, टीएल प्लस वन और आई थ्री माइनस वन, ये ट्राई आयोडाइड आयन है. अरे ट्राई आयोडाइड नहीं जानते? बताता हूं मैं, सुनो. आई टू देखो, इंक देखो, इंक, अरे इंक नहीं जानते? इंक, इंक कपड़े पे अगर लगा हो और उसपे डिटर्जेंट तुम डालते रहो, क्या वो पानी से धुलो, इंक क्या कपड़े से छूट जाएगा क्या? लेकिन उसी में तुम ऐसा करो, पोटेशियम आयोडाइड ले आओ पानी में, पोटेशियम के आई लेके आओ और थोड़ा सा सर्फ एक्सेल या कुछ भी जो भी है, थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डाल दो और अब वो कपड़े पे डालो और ऐसे ऐसे छुड़ा दो, छूट जाएगा. आई टू पानी में नहीं, क्योंकि इंक में आई टू होता है. इंक में क्या? आई टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. वाटर में डिसॉल्व कैसे होगा? वाटर तो पोलर है. लेकिन जब तुम क्या करते हो, वो कपड़े में जो इंक है उसमें आई टू है, उसमें जब के आई डालते हो तो आई टू सबके पास, यू नो, ये ग्रुप में नीचे जाओगे तो इनके पास सब डी ऑर्बिटल, जिनके जिनके पास होता है, दे आर लेविस एसिड, वो ऐसा एक्सेप्ट करता है. और ये लेविस बेस, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बोल दूंगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, या सिंपल में बोल दूंगा ये लेविस बेस, ये लेविस एसिड. तो ये क्या बना देता है? ऐसा कंपाउंड, देखो के आई थ्री, ये लो K प्लस आई थ्री माइनस. अभी आयनिक हो गया कि नहीं? बोलो, अभी वाटर में सॉल्युबल है. तो ये वही वाला ट्राई आयोडाइड है, वो आई थ्री माइनस वन. नहीं समझे? समझे दुष्ट? हाँ. तो ये ऐसा कभी है. तो मैंने थोड़ा सा इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको बता दिया, फिर बाकी नेक्स्ट कल मिलते हैं, ठीक है? 2 o'clock. ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. ओके, थैंक यू, बाय बाय.